एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी इन दिनों काफी चर्चा में है। एक तरफ जहां इस कहानी ने लोगों को हैरान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कहानी से प्रभावित होकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही तमाम शादीशुदा महिलाओं को भी उनके पति और ससुराल वाले घर वापस बुला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जहन में भी डर बन गया है। क्या है ये पूरा मामला और कितनी है इसमें सच्चाई, चलिए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य शुरू से ही एसडीएम बनना चाहती थी, जिसके लिए उनके पति आलोक मौर्य ने शादी के बाद उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दी और उन्हें एसडीएम बनने में मदद की। ज्योति मौर्य 2015 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं और उनके पति आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी। शादी के बाद पति आलोक कुमार मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य की पढ़ाई रुकने नहीं दी। शादी के बाद भी ज्योति ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो एसडीएम बन गए। ज्योति की सफलता पर उनके पति आलोक मौर्य की भी तारीफ हुई कि उन्होंने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। 2020 तक दोनों की शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन फिर इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग आ गया, जिसके बाद से दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इतना ही नहीं, ये मामला थाने तक जा पहुंचा है। एक तरफ जहां आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति ने उन्हें धमकी दी कि प्यार से तलाक दे दोगे नहीं तो वो बर्बाद कर देगी। आलोक ने अपनी पत्नी के कुछ विवादित व्हाट्सएप चैट भी शेयर किए थे। साथ ही आलोक ने 100 पेज की डायरी भी सार्वजनिक की, जिसके आधार पर ज्योति पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी है? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जाँचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। हालांकि ज्योति पर लगे आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंप दी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई हमारे सामने आएगी। वैसे तो ये मामला एक पति और पत्नी के बीच का है, लेकिन इससे बहुत से परिवार प्रभावित हुए हैं। दरअसल इस मामले के बाद से खबरें आना शुरू हुई हैं कि कई पतियों ने अपनी पत्नियों को आगे पढ़ाने और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने से इनकार कर दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड के साथ।